अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइटों को रिज्यूम होने को लेकर, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। आपको बता दें सबसे पहली खबर जेट एयरवेज से निकल कर आ रही है। जेट एयरवेज को ये होप है कि अब आने वाले 2021 के अप्रैल में जो रिवाइवल है उसको रिज्यूम किया जा सकता है। वहीं अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है दिल्ली की विजिबिलिटी को लेकर। डेंस फॉग होने के कारण दिल्ली में आने वाली सभी जो फ्लाइटें हैं वो डिले हो सकती हैं, तो अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो एक बार अपनी एयरलाइन से कंफर्म करना ना भूलें। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि एमिरेट्स की तरफ से निकल कर आ रही है। आपको बता दें एमिरेट्स ने यहाँ पर एक ऑफिशियल बयान में बताया है कि एमिरेट्स जैसे ही वैक्सीन अराइव होती है वैसे ही एमिरेट्स अपने फर्स्ट A380 विमानों को लेकर आएगी और ऑपरेशनल कर देगी। वहीं अगली खबर ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल फ्लाइटों को निकल कर आ रही है। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया ने कुछ रूट्स पर अपनी जो इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं उनको रिज्यूम कर दिया है। इनमें से विक्टोरिया का नाम सबसे पहले निकल कर आ रहा है। वहीं अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर दिल्ली से निकल कर आ रही है इंटरनेशनल फ्लाइटों को रिज्यूम करने की खबर। आपको बता दें दिल्ली से जितने भी नेपाल की फ्लाइटें हैं उनको हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से रिज्यूम कर दिया जाए। आपको बता दें कोरोना वायरस के चक्कर में इन फ्लाइटों को मतलब बंद कर दिया गया था, अब इनको अगले हफ्ते से फिर से शुरू किया जा रहा है। वहीं अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि नॉर्मल फ्लाइटों को लेकर आ रही है, इंटरनेशनल नॉर्मल फ्लाइटों को लेकर भारत में। आपको बता दें दोस्तों अभी फिलहाल में देखा जाए तो 31 दिसंबर तक इन फ्लाइटों को बंद रखा गया है, पर आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन आती है या जनवरी 2021 में हो सकता है कि इंटरनेशनल फ्लाइटों को रिज्यूम किया जाए। हालांकि इसको लेकर अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, पर जैसे ही लेटेस्ट अपडेट इसको लेकर आएगी हम आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट कर देंगे। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं आपका दोस्त नेक्स्ट वाली जानकारी। जय हिंद, वंदे मातरम।